dessen einsam. Der Himmel ist grau. Wer will schon allein sein? Dieses Gefühl kenn ich ganz genau. Bin zu oft gescheitert. हेलो एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ डॉली और स्वागत है आपका मेरे चैनल में। कैसे हो आप सब? तो आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए तीन DIY आइडियाज। तो मेरे पास तीन अलग अलग शेप्स के पॉट थे, मिट्टी के, क्ले के, उसी को मैंने आज डेकोरेट किया है मेरे गार्डन के लिए, बालकनी गार्डन के लिए। और बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा ईजी है इसे डेकोरेट करना, पेंट करना। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले मैंने इस प्रकार का ये गमला लिया है। ये काफ़ी बड़ा सा पॉट था, गमला था मेरे पास। तो इसको मैंने ये वाइट कलर के बेस कलर से पूरा ही जो है पेंट कर लिया था। तो पहले मैंने पूरे में बेस कलर लगा लिया है। बेस कलर आप ज़रूर लगाइए, उसके बाद आप जो भी कलर इसके ऊपर यूज़ करोगे ना, वो बहुत ही सुंदर तरीके से दिखेगा। तो ये देखिए, बेस कलर लग चुका था पूरा, और पूरा ये अच्छी तरीके से ड्राई होने के लिए रख दिया था मैंने। और अब ड्राई होने के बाद मैं इसके ऊपर यूज़ कर रही हूँ ये स्प्रे पेंट। तो ये एक्रेलिक स्प्रे पेंट है, आपको कोई भी स्टेशनरी शॉप में मिल जाएगा, या फिर अगर मुझे अमेज़ॉन की लिंक मिलती है तो मैं डाल दूँगी। आप कोई भी स्प्रे पेंट जो है वो यूज़ कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने ये येलोइश टाइप का जो कलर है वो पूरा स्प्रे पेंट कर दिया था, और ये अच्छी तरीके से ड्राई हो चुका है अब। और अब इस पर मैं ये मास्किंग टेप लगा रही हूँ। तो ये देखिए, मैं किस तरीके से ऐसे स्लाइडिंग वे में मास्किंग टेप जो है वो लगा रही हूँ। तो ये देखिए, ये जो गमला है ना, ये बहुत ही ज़्यादा रफ़ था, तो इसका जो सरफेस है वो प्लेन नहीं था, रफ़ टाइप का सरफेस था। तो ये मास्किंग टेप मैं लगा रही हूँ, और इसके बाद इसके ऊपर हम कलर करने वाले हैं। तो ये इसका इफ़ेक्ट भी कुछ अलग आएगा, आप ज़रूर देखिए। क्या ये देखिए, ये इस तरीके से काजू कतली शेप मैंने दी है। तो आपको जो भी शेप देना है आप दे सकते हो। और अब मैं इसके ऊपर फिर से स्प्रे पेंट यूज़ कर रही हूँ। तो ये देखिए, ये इस तरीके से रखना है, और जितना भी येलो पार्ट है ना, उस सभी पे स्प्रे कर लेना है, या फिर आप एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हो। फ़िलहाल मैं स्प्रे पेंट यूज़ कर रही हूँ, और इसका अब स्प्रे पेंट हो चुका है, ये अच्छी तरीके से ड्राई हो गया था। और अब जो मास्किंग टेप है वो मैं निकालूंगी, तो आप देखिएगा कैसा टेक्सचर आएगा, क्योंकि जो ये गमला था वो ऑलरेडी रफ था, फ्लैट सरफेस नहीं था। तो कहीं कहीं से, बहुत सारी जगह से जो है स्प्रे पेंट वो अंदर गया है टेप के अंदर, पर उससे भी बहुत ही अच्छा एक इफ़ेक्ट आया। तो ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो पूरी मास्किंग टेप निकाल लेनी है, और ये हमारा फर्स्ट इजी DIY रेडी हो गया है। जाते हैं हमारे सेकंड DIY की तरफ। तो ये देखिए, इस तरीके से पॉट शेप में ये बॉटल थी मेरे पास, जो गर्मियों में इस तरीके की मिट्टी की बॉटल मिलती है वो थी। तो इसे अब हम डेकोरेट करेंगे। तो इसके ऊपर भी ना, मैंने पहले वाइट कलर का बेस कलर जो है वो पूरा अच्छी तरीके से लगा लिया था, और इसे ड्राई करने के लिए रख दिया था। तो ये देखिए, ये जो बेस कलर है पूरा ड्राई हो चुका है, और अब मैं फिर से इसमें स्प्रे पेंट यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, ब्लैक कलर का स्प्रे पेंट यूज़ कर रही हूँ। ये सारे कलर्स में आपको अवेलेबल हो जाता है। मुझे स्प्रे पेंट यूज़ करना बहुत ज़्यादा इजी लगता है। तो ये देखिए, ये पूरा कलर जो है वो ड्राई हो चुका है, और अब इस पर हम एक्रेलिक कलर्स यूज़ करेंगे। तो मैंने अभी वाइट कलर लिया है एक्रेलिक का, और ये मैंने एक मनी प्लांट की पत्ती ले ली है। तो आपको जो भी पत्ती का स्टैम्प करना है वो आपको एक लीफ ले लेनी है, और इस तरीके से ना आपको कलर लगा के उसमें इस तरीके से स्टैम्प करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से ये स्टैम्प करना है, मैं आपको फिर से बता रही हूँ। तो पूरे पॉट में मैंने पहले वाइट कलर की जो है पत्तियों का स्टैम्प कर लिया था। तो सिंगल जो पत्ती है वही आपको सेम पत्ती यूज़ करना है, और इस पूरी
पूरे ही पॉट में मैंने व्हाइट कलर की जो पत्ती उसका स्टैम्प कर लिया था, और अब मैं अलग अलग कलर्स यूज़ करूँगी। तो जो भी कलर आपको यूज़ करना है आप कर सकते हो। सेम उसी पत्ती पे थोड़ा थोड़ा सा मैंने येलो कलर लगाया, और जो ये व्हाइट कलर थे वो थोड़े से ड्राई हो चुके थे, उसके बाद मैं ये दूसरा जो शेड है उसके उसी के ऊपर कर रही हूँ। तो बहुत ही सुंदर सा शेड आएगा इसके ऊपर। तो इस तरीके से मैंने 3-4 कलर्स यूज़ करे थे, और ये जितने भी कोई कोई मैंने सिर्फ वाइट रहने दी थी पत्ती, और कोई कोई पे मैंने ये अलग अलग कलर्स की जो शेड है वो दिए थे। तो बहुत ही सुंदर इसका इफ़ेक्ट आया था। तो ये देखिए, ये इस तरीके से इफ़ेक्ट दिख रहा था, कितना सुंदर लग रहा है। और अब इसके ऊपर ना मैं ये फेविक्रिल का आउटलाइनर यूज़ कर रही हूँ गोल्डन कलर का। ये ऑप्शनल है, अगर आपको बस यहीं पे स्टॉप करना है तो आप कर सकते हो, पर मैं थोड़ा आउटलाइन से इसको और डेकोरेट कर देती हूँ, तो इसमें थोड़ा सा ना 3D इफ़ेक्ट आ जाएगा। तो बहुत ही सुंदर ये लग रहा था। तो मैं ये फेविक्रिल का आउटलाइनर लगा रही हूँ इसमें। ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ कर रही हूँ इन सभी की मैं अमेज़ॉन की लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको परचेस करना है तो आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो, या फिर कोई स्टेशनरी शॉप में भी आपको मिल जाएगा। तो ये बन गया हमारा सेकेंड DIY। देखिए, ये इस तरीके का एक पॉट था मेरे पास, टूट भी चुका था ये नीचे से। तो इसको हम पहले तो बेस कलर करेंगे। तो फिर से मैं वाइट कलर का बेस कलर जो है वो यूज़ कर रही हूँ। फटाफट से बेस कलर लगा ले रही हूँ मैं। ये जो कलर है वो आपको कोई भी पेंट शॉप में मिल जाएगा। तो ये देखिए, बेस कलर जो है वो ड्राई हो चुका था, और अब इसके बाद इसके जो ये जो होल दिख रहा है उसको फिल करना है। तो ये फेविक्रिल का जो है मोल्डेड है क्ले, मोल्डेड क्ले, तो ये आपको इजीली मिल जाएगा कोई भी स्टेशनरी शॉप में, या फिर आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हो। तो ये इसमें दो इस तरीके से पैकेट आते हैं, दो क्ले के पैकेट रहते हैं छोटे छोटे। तो वो दोनों को मैंने आधा आधा लिया है, और इन दोनों को ही ना आधा आधा करके मिक्स कर लेना है एक दूसरे के साथ, अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। तो बस ये देखिए, ये दो कलर के क्ले है इसमें, इन दोनों को मैं अच्छी तरीके से मसर के जो है वो मिक्स कर रही हूँ। और जब तक ये एकदम सॉफ्ट नहीं हो जाता, एक दूसरे पे मिक्स नहीं हो जाता, उतनी देर आपको इसे मिक्स करना है। तो ये देखिए, इस तरीके से ये बॉल बन गया। और अब बस ये जो होल है उसके ऊपर मैं इसको लगा लूँगी अच्छे से, और फिर इसको ड्राई होने के लिए रख देना है। मैंने एक क्ले के ऊपर भी वीडियो बनाया है, आप मेरे चैनल में जाके चेक कर सकते हो। मैंने होममेड क्ले बनाया था, और ये देखिए, इस पर मैं वाइट कलर कर दिया मैंने, और ये पूरा ही ड्राई हो चुका है अब। और अब इसके ऊपर हम पेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए, ये मैं ग्रीन कलर यूज़ कर रही हूँ। आप अपने पसंद से कोई भी कलर से डेकोरेट कर सकते हो। तो ये मैंने एक्रेलिक कलर किया है, ग्रीन बॉटल ग्रीन टाइप का कलर है ये। तो बस इसमें फटाफट से येलो कलर इस तरीके से लगा रही हूँ मैं। और अब ये ब्लू कलर जो है उसको, ये जो जितना भी बचा हुआ पार्ट है उसमें ब्लू लगा रही हूँ। और नीचे के साइड में मैंने कलर नहीं किया, वो वाइट ही बहुत अच्छा लग रहा था, और वैसे भी वो इतना दिखता नहीं है। तो वहाँ पे मैंने पीछे की साइड में जो है वो कलर नहीं किया है। तो इस तरीके से पूरे में ब्लू कलर लगा लेना है। और ये देखिए, अब फिर से इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ ये फेविक्रिल के आउटलाइनर्स। बहुत ही इजी है ये आउटलाइनर यूज़ करना। ये देखिए, नीचे मैंने कलर नहीं लगाया, और ये आउटलाइनर बस यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरीके से ऑलरेडी यहाँ पे ना शेप था,
ऐसा जिगजैग टाइप का, कर्व टाइप का, तो मैंने पूरे में उसको और हाईलाइट कर लिया। और उसके बाद ये ईयरबड्स लिया है और उससे सिंपल जो है वो डॉट डॉट कर रही हूँ। तो अभी बाकी जो डिज़ाइन है ना वो ईयरबड को यूज़ करके करने वाली हूँ, सिंपल डॉट्स करने वाली हूँ, पर वो भी बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेंगे। बस अब ये वाइट कलर यूज़ कर रही हूँ और अंदर में इससे डॉट डॉट करूँगी मैं। इससे आप फ्लावर भी बना सकते हो, इसी ईयरबड्स को यूज़ करके आप फ्लावर बना सकते हो अगर आपको बनाना है तो। बस अब इसमें ड्राई होने के बाद मैंने डाल दिया पानी और ये एक मेरे पास लोटस था आर्टिफिशियल, वो डाल दिया। आप चाहो तो रियल फ्लावर्स भी डाल सकते हो इसमें। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। और आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए बाय बाय।